बच्चों, आज हम शून्य सदिश के बारे में पढ़ेंगे। शून्य सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। और इसकी दिशा की अगर हम बात करें तो वह क्या होती है? सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के समपाती होती है, ठीक है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। जैसे अब ये बिंदु है, यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है, तो क्या होगा? ये दोनों एक ही हो जाएगा और इसकी दिशा भी यही होगी और यही क्या होगा? इसका परिमाण भी हो जाएगा। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस, जैसे हमें साधारण जोड़ घटाने जो में क्या होता है, जीरो की आवश्यकता होती है, शून्य की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सदिशों के जोड़ घटाने या और चीज़ों में भी जब हमें बताना होता है कि इसका परिमाण क्या हो रहा है, शून्य आ रहा है, तो उसकी आवश्यकता होती है। जब दो विपरीत सदिशों को जोड़ा जाएगा तो योग क्या होगा? आपका सदिश राशि आएगी, ठीक है, अदिश तो आएगी नहीं। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया या दोनों का परिमाण जो आया है, परिणाम जो आया है, वो क्या आया है? जीरो सदिश आया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी सदिश को शून्य से गुणा कर रहे हैं तो परिमाण कितना आ जाएगा? जीरो सदिश के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, शून्य सदिश के कुछ उदाहरण की बात किया है। उसमें पहला उदाहरण है, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने पर किसी कण का जो विस्थापन होता है वो क्या होगा? आपका एस बराबर जीरो होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? वृत्ताकार पथ है। एक चक्कर पूरा किया, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहीं पर क्या हो जाते हैं? इस तरीके से वापस आ जाते हैं। तो उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम हो गया, संपाती हो गया। तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य सदिश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद का उच्चतम बिंदु पर वेग, देखिए जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। रुकने का मतलब है कि उसका वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। तो जब वेग शून्य हो गया तो वेग एक सदिश राशि है, तो हम कहेंगे वो क्या हो गया? शून्य सदिश हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एकांक सदिश की। एकांक सदिश क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है, ठीक है, तथा जो विशेष दिशा में क्या होता है? दिष्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। अब देखिए, इसका जो भौतिक इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है? एकांक सदिश का कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती है। इसका उपयोग विशेष दिशा को दर्शाने में होता है। किसका उपयोग? एकांक सदिश का उपयोग। सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश को ए के द्वारा, ए कैप, पहले आप ए लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। यदि ए का परिमाण कितना है? ए है, तो वेक्टर ए बराबर आप क्या लिखेंगे? ए, कैपिटल ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो यहाँ से ए कैप बराबर आप क्या कह सकते हैं? वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है, या सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, ठीक है। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं? देखिए, आप जानते हैं हमारे, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है और उसके लंबवत दिशा में ये क्या होता है? आपका जेड अक्ष होता है, ठीक है। एक्स अक्ष में आपका जो एकांक सदिश होगा उसे हम किससे लेते हैं? एक्स अक्ष में एकांक सदिश को आप किससे लेंगे? आई कैप से, ठीक है। वाई अक्ष में जो एकांक सदिश होगा उसे हम किससे लेते हैं? जे कैप से। और जो जेड अक्ष में, जेड अक्ष आपका इस तरीके से है, जैसे अगर एक्स अक्ष हमने इस इधर लिया और वाई अक्ष इधर लिया, तो जस्ट किताब के लंबवत जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जेड अक्ष हो जाएगा। इस दिशा में हमने क्या लिया है? एकांक सदिश कितना लिया है? के कैप लिया है। तो ये एकांक सदिश हैं, इन तीनों का जो परिमाण होगा वो कितना होगा? एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें कि धनात्मक एक्स दिशा में अगर हमें तीन मात्रक का सदिश लेना है
तो x दिशा में अगर तीन मात्रक का सदिश आप कह रहे हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका मात्रक कितना, वो कितना हो गया, परिमाण तीन हो गया, और उसका एकांक सदिश कितना हो गया, i कैप। तो उस दिशा में अगर हम पूरे वेक्टर की बात करें, सदिश की बात करें, तो कितना हो गया, 3i कैप। इसी तरीके से अगर हम y दिशा में पांच मात्रक सदिश की बात कर रहे हैं तो 5j कैप हो जाएगा, लेकिन अगर ऋणात्मक y दिशा में बात कर रहे हैं तो ऋणात्मक, अगर ये इधर j कैप है तो इस दिशा में उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, लंबवत दिशा में -j कैप हो जाएगा, विपरीत दिशा में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -5j कैप। ठीक है, धनात्मक z दिशा में 10 मात्रक का सदिश कितना हो जाएगा, 10k कैप। देखिए आगे हम बात करेंगे सदिशों के जोड़ की, सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहले दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी क्या हो, प्रकृति समान हो। समान होने का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए द्रव्यमान द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि द्रव्यमान अलग और लंबाई, द्रव्यमान और लंबाई को आप जोड़ के लिख दें, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि बल सदिश को बल सदिश के साथ ही जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप बल को वेग के साथ जोड़ दें या त्वरण के साथ जोड़ दें। ठीक है, देखिए जो इसका सदिशों का जोड़ना होता है वो दो विधियों द्वारा होता है। ठीक है, दो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, एक त्रिभुज विधि होती है और एक होती है आपकी समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, समांतर चतुर्भुज विधि। अब त्रिभुज विधि क्या होती है, इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, आपके दो वेक्टर हैं, इनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो लिखने के लिए तो रिजल्टेंट आर बराबर क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपका रिटन वर्क। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो परिमाण है कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए परिणाम इन दोनों का जोड़, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लीजिए दो वेक्टर आपके दिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर खींच लेते हैं। अब जो दूसरा वेक्टर होता है उसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले वेक्टर की बाणाग्र से। वेक्टर ए हमने खींचा और वेक्टर बी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर बी के, वेक्टर ए के परिमाण से, सॉरी वेक्टर बी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर ए के बाणाग्र से स्टार्ट करके खींच देंगे। ये देखिए, ये जब आप यहाँ खींचेंगे तो ना तो इसकी लंबाई चेंज होगी ना ही इसकी दिशा चेंज होगी, तो वह यहाँ पर वेक्टर जो बी जो आपने खींचा होगा, ये वेक्टर बी दोनों क्या हो जाएंगे, समान होंगे। तो पहले आपने वेक्टर ए खींचा, फिर बाद में वेक्टर ए के बाणाग्र से वेक्टर बी खींचा, अब लास्ट में क्या किया जाता है, वेक्टर ए के से किसको मिला दिया जाता है, वेक्टर बी के बाणाग्र को मिला दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका ये क्या होता है, आर मिलता है, जो भी रिजल्टेंट मिलता है वह क्या प्रदर्शित करता है, वेक्टर ए प्लस बी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका सदिशों का योग होता है, ये क्रम विनिमेय नियम को क्या करता है, फॉलो अप करता है। क्रम विनिमेय नियम को फॉलो करता है, यानी वेक्टर आर बराबर अगर ए प्लस बी है तो वेक्टर आर बराबर ही क्या